दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे योगाभ्यास जिनकी मदद से गहरी नींद आने में आपको आसानी होगी। बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं कि उनकी गहरी नींद नहीं आती। और गहरी नींद क्यों नहीं आती? जब मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट, अंदर से बेचैनी या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, मन में कई सारे विचार चल रहे होते हैं। जैसे ही सोने के लिए जाते हैं, वैसे ही मन में इतने सारे विचार, जाने कहाँ कहाँ के वो सारे विचार आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन अशांत है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो भटक रहा है इधर से उधर। आज के जो योगाभ्यास करेंगे, या आप पिलो देख के समझ में गए होंगे कि ये पिलोज का आज इस्तेमाल होगा। इन पिलोज का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इन पॉस्चर्स को आसानी से कर सकें, हर कोई कर सके। साथ ही मैं बताऊंगी कि आपकी सांसों की स्थिति कैसी होगी, ताकि जो मन ये भटकता है ना, उस मन को भटकने से रोका जा सके और आप अपनी सांसों पर ध्यान रख। और जब सांसों पर ध्यान रखेंगे तो कब नींद आएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो आज के योगाभ्यास आपको मदद करेंगे आपका शारीरिक और मानसिक जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, उसको कम करने में। आपके मन को, आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेंगे। इन प्रैक्टिसेस को आप कभी भी कर सकते हैं, इवन सोने से पहले भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इस लिंक को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहला जो योग अभ्यास कर रहे हैं, इसका नाम है अधोमुख स्वानासन, यानी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। किस तरीके से करेंगे? ऐसे हम वज्रासन में बैठ गए हैं, फिर आराम से ऐसे टेबल टॉप पोजिशन पे आ गए हैं। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद बॉडी की मेजरमेंट जो है वो सही तरीके से कर लें, ताकि आपकी रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एक लाइन में है और आपका घुटना और कमर एक लाइन में है। दोनों घुटनों के बीच में आपके कमर जितना ऐसे फासला कर रखा है आपने, सामने देख रहे हैं। अब धीरे से अपने दोनों पैर के पंजों को ऐसे टक करें और धीरे से अपने घुटनों को ऐसे सीधा कर लें, और दोनों पैरों के बीच में तो आपके कमर जितना फासला है ही है। और अपने सर को दोनों हाथों के बीच में से ऐसे ले जाते हुए अब इस पोस्चर को कम से कम एक मिनट तक रोक के रखेंगे। जब एक मिनट तक रोक के रखेंगे तो अपनी नजरें अपनी एड़ियों पर टिका के रखेंगे, यानी अपनी हील्स की तरफ देखेंगे, और सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहेंगे। कोई गहरी सांसें नहीं करेंगे, ना हल्की करेंगे, बस सांसें नॉर्मल जैसे आए और जैसे जाए, बस उसी सांस को आता और जाता हुआ देखना है। ध्यान सांसों से नहीं हटाना है, और पोस्चर को कम से कम एक मिनट तक इसी तरीके से बना के रखिएगा। अब धीरे से वापस से अपने घुटनों को ऐसे ड्रॉप कर दिया मैट पर, और आप इस पोस्चर को रिलीज करके शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेटेंगे कैसे? दोनों पैरों के बीच में फासला करेंगे, दोनों हाथों के बीच में फासला करेंगे ऐसे, और आराम से ऐसे लेट जाएंगे। ब्रीथ करते रहेंगे, ध्यान सांसों पर ही रखिएगा। थ्रू आउट द प्रैक्टिस सांसों पर ही अपना ध्यान रखें, और ये ध्यान रखिएगा कि हर एक योगासन के बाद हम शवासन का अभ्यास जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योगाभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। आपको करना क्या है, ये जो नीचे मैं अपनी वेबसाइट शेयर कर रही हूँ, या तो इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, या तो मैं नीचे जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ,
इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मेरी टीम के द्वारा आपको क्लासेस के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाए। पहले तरीके की क्लास है जूम क्लासेस, जो कि इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, जिसमें स्टूडेंट्स मेरे सामने मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करते हैं उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। और उनकी हेल्थ कंडीशन कोई भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डिसीज, मतलब डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, हेडेक, माइग्रेन, वर्टिगो का प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गए, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, तो ऐसी हेल्थ कंडीशन में योग अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मेरे स्टूडेंट्स योग अभ्यास करते हैं, सीखते हैं और उन हेल्थ कंडीशन से उभरते भी हैं और पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप जूम क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते तो मैंने बहुत केयरफुली एक कोर्स डिज़ाइन किया है, योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, जो कि आप कहीं भी किसी भी जगह योगा अभ्यास कर सकते हैं। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की प्रैक्टिसेस सीक्वेंस में डिज़ाइन की है कि वो आपको यूट्यूब में ये सारे सीक्वेंसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से इन सीक्वेंसेस को डिज़ाइन किया है ताकि जिस इंसान ने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया है वो आसानी से ये योगा अभ्यास कर लें। आप सभी से गुजारिश है कि मेरी वेबसाइट विजिट कर लें या कि मुझे एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको इसके बारे में भी सारी जानकारी दे दी जाए। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं जो कि है शशांकासन। शशांकासन के लिए फिर से हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। ऐसे वज्रासन में बैठने के बाद दोनों घुटनों के बीच में ऐसे डिस्टेंस कर लें, पैर के बड़े अंगूठे एक दूसरे के साथ, एड़ियां बाहर की तरफ, ऐसे दूर कर लें जितना हो सके। अब आप अपनी जो पिलो है उसको ले लें या कि फिर आपके पास ऐसा एक बॉलस्टर है उसको ले लें, और फिर इसके बाद धीरे से आपका बॉलस्टर जो है आपकी बॉडी के करीब है, आपका पेट आपने ड्रॉप कर दिया इस तरीके से बॉलस्टर पे, और चेहरे को किसी भी एक साइड ऐसे टर्न कर दें और इस तरीके से दोनों हाथों को रख दें आप मैट पर। अगर आपके पास पॉस्टर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपने रख ली अपने घर पर इस्तेमाल होने वाली पिलो को इस तरीके से एक के ऊपर एक ऐसा, और धीरे से सांस लें, वो जो तकिया है बॉडी के करीब रखिएगा और सांस छोड़ते हुए ऐसे धीरे 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 अपनी बेली और अपने चेस्ट को ड्रॉप करके चेहरे को किसी भी एक साइड टर्न कर दें, और इसको कम से कम 1 से 2 मिनट रोक के रखें, सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहेंगे। चलिए फिर से अपनी सांसों को देखने का काम करते हैं। इसी तरीके से अपने सर को पिलो के ऊपर रखते हुए, अपने गर्दन को किसी भी एक साइड टर्न करते हुए ध्यान नासिका पर रख रहे हैं, और इस पोस्चर को हम कम से कम 2 मिनट तक रोक के रखेंगे। सांसें नॉर्मल लेते रहें और छोड़ते रहें, ध्यान नासिका पर ही रखें। अब हम अभ्यास करेंगे सुप्त वक्रासन का। सुप्त वक्रासन करना बड़ा आसान है। करेंगे कैसे, आराम से ऐसे लेट जाएंगे धीरे धीरे अपने पीठ के बल ऐसे, और दोनों हाथों को या तो आप टी की पोजीशन पे ऐसे रखें ऐसे, या अपने दोनों हाथों को एल्बो से ऐसे मोड़ लें जैसे आपको करना हो। तो दोनों हाथों को मैंने ऐसे टी की पोजीशन पे रखा हुआ है, राइट पैर को घुटने से मोड़ लिया है और राइट फुट को लेफ्ट नी के दूसरी तरफ ऐसे ड्रॉप कर दिया है, और पिलो जो है इसको मैंने लेफ्ट पैर की तरफ ऐसे रखा ताकि जब मैं अपना राइट पैर ड्रॉप करूं तो वो उस पिलो के ऊपर आए। ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने राइट घुटने को मैंने ड्रॉप कर दिया पिलो के ऊपर, और अपने चेहरे को टर्न कर दिया राइट शोल्डर की तरफ ऐसे, तो एक ट्विस्टिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया आएगा। आंखें बंद कर लें। अब जैसे ही आप अपने राइट घुटने को लेफ्ट साइड पिलो के ऊपर ड्रॉप करते हैं, फिर से अपना ध्यान अपनी नासिका पर लेके आएं। ऐसा ध्यान जब आप नासिका पे रखते हैं ना, सांस आती और जाती हुई देखते हैं, यही मदद करेगा आपके स्ट्रेस को कम करने में, ओवरथिंकिंग को कम करने में। जब ध्यान सांसों पे होगा तब समझ पाएंगे सांसों की स्थिति क्या है। ये बात बड़ी आसान लगती है लेकिन है बहुत गहरी, इसको एक बार आजमा के देखिएगा। पोस्चर को मेंटेन करें,
अगले एक मिनट तक। तो इसी तरीके से आप अपने राइट पैर को हम सीधा कर देंगे घुटने से। इसी तरीके से अभ्यास लेफ्ट पैर के साथ करेंगे। लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लिया, अपनी पिलो को रख दिया राइट पैर की तरफ, ऐसे दोनों हाथों को फिर से अपने कंधे के लेवल तक लेके आ गए और सांस लिया, और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट पैर के पंजे को पहले हमने राइट पैर की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दिया ऐसे, और फिर पिलो को रखा और फिर धीरे से पिलो के ऊपर अपने लेफ्ट घुटने को ड्रॉप कर दिया और चेहरे को दूसरी साइड मोड़ लें ऐसे। ब्रीद करें। अब एग्जैक्टली जो अभ्यास हमने राइट साइड पैर को ड्रॉप करके किया था, वही हम अभ्यास लेफ्ट पैर से दोहरा रहे हैं। ध्यान सांसों पर है पूरा का पूरा, और जो ये ट्विस्ट मिल रहा है इसको एंजॉय करेंगे। ये शारीरिक जो टेंशन है इसको दूर करने में मदद करेगा। मानसिक टेंशन आपकी सांसों से जाएगी, शारीरिक टेंशन इस तरीके से ट्विस्टिंग से जाएगी। अभ्यास बना के रखें, एक मिनट तक पोस्चर को होल्ड करके रखें। अब हम पोस्चर नंबर 4 प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका कि नाम है सुप्त बद्ध कोण आसन। इसके लिए आपको 2 पिलोज की जरूरत होगी, या कि हो सकता है 4 की भी, डिपेंड्स ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपने एक तकिया आपने रखा अपने राइट घुटने के नीचे और दूसरी को रखा अपने लेफ्ट के नीचे ऐसे। सबसे पहले आराम से अपने मैट पर ऐसे लेट जाए। पहले पैरों की पोजिशन आपको दिखला दूं। ऐसे लेट गए और अपने दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ के रखा है, और अपने राइट घुटने के नीचे आपने रख लिया राइट तकिया को, लेफ्ट घुटने के नीचे आपने अच्छी तरीके से ऐसे लेफ्ट पिलो को, दोनों को ऐसे रखा आराम से, ताकि आप जब दोनों पैरों को ओपन करें ना तो आपको आराम जरूर मिले। और इस पोस्चर को भी, हर एक पोस्चर को हम आराम से 1 से 2 मिनट रेस्ट करेंगे। तो इस पोस्चर में हम 2 मिनट अगले रेस्ट कर रहे हैं ऐसे ऐसे। सुप्त बद्ध कोण आसन को हम इसी पोजीशन पे या तो 2 मिनट या 5 मिनट अपनी सहूलियत के हिसाब से जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकेंगे, और ध्यान सांसों पे रखेंगे। आप देखिए कितना अच्छा इफ़ेक्ट इसका पेल्विक रीजन पर आ रहा है। और ये मैंने बताया शारीरिक टेंशन आसनों के इस तरीके से रोकने से, मानसिक टेंशन आपके सांसों के आने और जाने से दूर होगी। तो पोस्चर को मेंटेन करके रखें। अब सुप्त बद्ध कोण आसन के अभ्यास के बाद अब हम कर रहे हैं विपरीत करनी विद वॉल सपोर्ट। ये पोस्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे माइंड को काम डाउन करने में, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों से अपर बॉडी की तरफ होता है इजीली। इससे भी आपको बहुत मदद मिलती है शरीर की जो थकान है उसको कम करने में। तो हर दिन इसका अभ्यास किया जा सकता है। किस तरीके से अभ्यास करेंगे आप? ऐसे आराम से अपनी जो पिलो है उसको दीवार के पास रख दिया। कम से कम आप डिपेंड करता है कि आपकी पिलो की हाइट क्या है। कम हाइट है पिलो की तो आप 2 पिलो रख लें, और अगर ठीक ठाक हाइट है तो आपकी 1 पिलो काम कर जाएगी। तो आराम से आप 1 पिलो आपने ऐसे रख लिया और उसके ऊपर धीरे से आप ऐसे बैठ गए। इस पोस्चर को जब अभ्यास करेंगे आप तो आराम से आपकी कमर जो है वो पिलो के ऊपर है, और अपने दोनों पैरों को ऐसे दीवार पे रख दिया आपने, और दोनों हाथों को ऐसे टी की पोजीशन पे रख लिया ऐसे, और लेग्स को वॉल में रख के कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट इस पोस्चर को इसी तरीके से रोक के रखें। और सांसें अपना ध्यान हमेशा अपनी नाक पर रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए रेस्ट करें। विपरीत करनी एक बहुत बेहतरीन योगासन है, जो कि हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करने में बहुत मददगार साबित होता है। ब्लड सर्कुलेशन देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपके पैरों से लेके हेड रीजन की तरफ बड़ी आसानी से हो रहा है।
यही मदद करेगा आपकी दिन भर की थकान को दूर करने में। और जब दिन भर की थकान दूर होगी तो रात में अच्छी नींद आएगी ही आएगी। इस पोस्चर को कम से कम 2 मिनट या 5 मिनट रोक के रखिएगा, इसी तरीके से लेग्स को वॉल पर रखें। इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके पूरे के पूरे शरीर पर होता है। सांसें फिर से नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें, ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ही रखें। आप अपने लेग्स को वॉल से हटा दें और आराम से शवासन में ऐसे लेट जाएं। अब सारे अभ्यास करने के बाद अपने दोनों पैरों को दूर कर दें, हाथों को बॉडी से दूर रखें और शवासन में कम से कम 10 मिनट लेटे रहें। शरीर को बिना हिलाए डुलाए शवासन में लेटे हुए अपने पूरे शरीर को, जॉइंट्स को, मसल्स को, सबको ढीला छोड़ दें और शांति से लेटे रहें। तो देखा आपने कितने आसान थे ना ये योगा अभ्यास। हर दिन का अभ्यास कीजिए और इन सारे योगा पोस्चर से लाभ पाइए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, बिना संकोच के नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बना के। अब देखिए, जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक थम्स अप देके लाइक कर दीजिएगा और यही नहीं, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब से खूब शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।